लिए 10 की दहाड़ आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, घने कोहरे की वजह से आगरा में हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और सड़क किनारे खड़े ट्रक से गाड़ियां टकराई हैं। कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आगरा से बड़ी खबर, घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, जिस वजह से हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से हादसा आगरा में हुआ है, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। सड़क किनारे खड़े ट्रक से गाड़ियां टकराई और 6 गाड़ियों को लेकर जानकारी मिल रही है कि कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। आगरा के एतमादपुर के छलेसर हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीर आपके सामने है। कोहरा वजह बताया जा रहा है, कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी कम हुई जिसकी वजह से 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। जबरदस्त ये भिड़ंत हो गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ी और ये कहा जा रहा है कि आगरा के एतमादपुर के छलेसर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची। घने कोहरे की वजह से अलग अलग हिस्सों से हादसे की खबर, ये आगरा से ताजा तस्वीरें आपके सामने, जहां पर घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई भिड़ी। 6 गाड़ियों को लेकर जानकारी है कि कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक से गाड़ियां टकराई और उसके बाद यह हादसा हुआ। एतमादपुर के छलेसर हाईवे पर यह हादसे की जानकारी है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को पहुंची, पुलिस पहुंची मौके पर और उसके बाद मौके का मुआयना किया गया। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। घना कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। आगरा से बड़ी खबर, अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की वजह से हादसे की कई खबरें सामने आ रही है। इसी बीच में आगरा से बड़ी जानकारी, वहीं से ताजा तस्वीर। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितनी गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी 4-5 गाड़ियाँ थी। तो इसमें कोई हताहत, कितनी चोट लगी, कितनी ऊपर लगभग कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ियाँ 5-6 गाड़ियाँ। रायबरेली से भी बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर के ट्रक ने पहले गुमटी में टक्कर मारी और फिर पुलिया में घुस गया। हादसे में गुमटी में बैठे हुए 3 लोगों की मौत की खबर है। जो लोग फंस गए थे उन्हें स्थानीय लोग निकालने में वहां पर जुटे रखे। ये बड़ी खबर रायबरेली से भी है हादसे की। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत यहां पर हुई है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास ये हादसा हुआ। 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। अनियंत्रित ट्रक ने पहले गुमटी में टक्कर मारी और उसके बाद पुलिया में घुस गया। गुमटी में जो लोग बैठे हुए थे 3 लोगों की जान चली गई है। जो लोग फंस गए थे उन्हें स्थानीय लोग निकालने में जुटे वहां पर दिखाई दिए। रायबरेली से ही अगली बड़ी खबर। सड़क पर जानवर आने से अनियंत्रित होकर के पलटा ट्रक। सलोन थाना क्षेत्र के सूची चौराहे के पास सामान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। घने कोहरे से अचानक बड़ी संख्या में जानवर वहां पर पहुंचे हुए थे, जिस वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने जानवरों को बचाने की कोशिश वहां पर की, लेकिन ट्रक अनियंत्रित हो गया और वहां पर पलट गया। ट्रक कानपुर से प्रतापगढ़ सामान लेकर के जा रहा था, ये जानकारी मिली। घना कोहरा भी था, अचानक से जानवर सड़क पर आ जाते हैं, जिस वजह से हादसा हो जाता है। रायबरेली से खबर, सड़क पर जानवर के आने से ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। सलोन थाना क्षेत्र के सूची चौराहे के पास ये घटना बताई जा रही है। सामान से भरा हुआ ट्रक पलट गया। घने कोहरे में अचानक से बड़ी संख्या में जानवर सड़क पर वहां पर निकल आए और ड्राइवर ने जानवरों को बचाने की कोशिश की, तभी यह हादसा हुआ। ट्रक अनियंत्रित हो गया, पलट गया। ट्रक कानपुर से प्रतापगढ़ सामान लेकर के जा रहा था, ये जानकारी ट्रक को लेकर है। हादसे के बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सड़क पर जानवर आने की वजह से यह हादसा रायबरेली। और अब बात मौसम के शीत संग्राम की। यूपी में अगले 3 दिन हल्की बारिश का अलर्ट है। पंजाब हरियाणा में भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। और सर्दी बढ़ने के आसार हैं, बारिश होगी तो सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है यूपी समेत अलग अलग हिस्से, देखिए पंजाब है, हरियाणा है, जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और ये कहा गया कि बारिश अगर होगी इन हिस्सों में, यूपी के साथ साथ पंजाब हरियाणा में अगर बारिश होती है तो आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी।
कानपुर से अगली खबर। कानपुर में भीषण ठंड से नहीं रुक रहा है मौतों का सिलसिला। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से लगातार यहां पर लोगों की जाने जा रही हैं। हार्ट अटैक से 5 जबकि ब्रेन स्ट्रोक से 3 लोगों की जान जाने की खबर है। हार्ट अटैक के 3 रोगियों को कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया। लगातार मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा कानपुर में भीषण ठंड की वजह से, ये बड़ी खबर। और इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा कनेक्शन। पावर कॉरपोरेशन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं इसको लेकर। ये बड़ी खबर, बड़ी राहत है सीएम योगी की तरफ से किसानों के लिए। बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। पावर कॉरपोरेशन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कनेक्शन काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी बात कही गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी। बिजली बिल बकाया होने पर भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जो कनेक्शन काटेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर, 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके क्रूज को रवाना करने वाले हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को रवाना करने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ट्वीट आपको दिखाते हैं, क्या लिखा है सीएम ने आपको दिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक ये रिवर क्रूज यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकात्मकता के नए अध्याय जोड़ेगी। ये सीएम का ट्वीट आपके सामने है। काशी को एक और क्रूज का तोहफा मिलने जा रहा है। 13 जनवरी को पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। उससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से बताया है कि पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं और किस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक ये क्रूज बनने वाला है, इसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बागपत से बड़ी खबर। बागपत में आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव सुखबीर सिंह का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पूर्व मंत्री साहब सिंह के भाई रामनिवास का भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भाजपा नेता योगेंद्र सोलंकी और रामपाल यादव का लाइसेंस निलंबित किया गया। पूर्व चेयरमैन नीलम धामा का भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बागपत के डीएम ने 50 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं, ये जानकारी है। आपराधिक मामलों के बाद ये कदम उठाया गया। आपराधिक मामलों के बाद भी ये लगातार लाइसेंस बनवा रहे थे, अब ये फैसला लिया गया। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर। अलीगढ़ में हाईवे पर कार लूट के दौरान गोली मारी गई। गोली लगने से कार मालिक जख्मी बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बंदूक की नोक पर नई कार लूट ले गए बदमाश। यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर लूट को अंजाम दिया गया। थाना टप्पल के कृपालपुर के रहने वाले दिनेश कुमार रात में दुकान बंद करके बेटे के साथ घर जा रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार 4 बदमाश वहां पर आते हैं, उनको रोकते हैं और कार मालिक के को नीचे उतार दिया जाता है। बदमाशों ने दिनेश कुमार को पीटा, फिर गोली मार दी और i10 कार लूट कर वहां से भाग निकले। साइड में अपाचे पर आए 4 लोग, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मेरे पापा को खींचा बाहर, मेरे उतार के थप्पड़ वप्पड़ भी मारे। उसके बाद में मेरे पापा की गोली की आवाज़ मेरे को सुनाई दी, उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। उत्तरकाशी के बड़कोट के नागेश्वर मंदिर में चोरी हुई है। नागेश्वर मंदिर के गर्भगृह से घंटी चुरा करके आरोपी भागे हैं। सीसीटीवी में बदमाशों की पूरी करतूत कैद हो गई। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। बड़कोट के नागेश्वर मंदिर में चोरी हुई है और ये कहा जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह से घंटी चुरा करके चोर वहां से भागे हैं। अब सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। सीसीटीवी में बदमाशों की पूरी करतूत कैद हो गई, देख लीजिए आप। आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी है उत्तराखंड पुलिस। इस फुटेज के आधार पर इन तक पहुंचने के लिए टीमें गठित की गई हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव। चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग निकले। मंदिर के गर्भगृह से घंटी चुराया है और वहां से भाग निकले हैं। सीसीटीवी जो वहां पर लगी हुई थी उसमें बदमाशों की एक करतूत कैद हो गई। इस फुटेज के आधार पर ही जांच पड़ताल कर रही है पुलिस।
और बात गाड़ियों के सबसे बड़े महाकुंभ की करते हैं। आज से ग्रेटर नोएडा में ऑक्टो एक्सपो का आगाज होने वाला है। विश्व की 48 वाहन कंपनियां अपना जलवा यहां पर दिखाएंगी, अपनी गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल को रिवील करेंगे। करीब 75 से अधिक नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। आम जनता के लिए 13 जनवरी से खुलेगा ऑटो एक्सपो। 18 जनवरी तक ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन होना है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि तकरीबन 3 सालों के इंतजार के बाद एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में वाहनों का जखीरा सजेगा, जहां देश दुनिया से आने वाली कई बड़ी कंपनियां इस आयोजन में हिस्सा लेंगी, अपने मॉडल को लॉन्च करेंगी। तो ऑटो एक्सपो का आगाज आज से ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। विश्व की 48 वाहन कंपनियां अपना जलवा यहां पर दिखाएंगी, अपनी गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल को रिवील करने वाले हैं। करीब 75 से अधिक नई गाड़ियां लॉन्च यहां पर की जाएंगी और आम जनता के लिए 13 जनवरी से 18 जनवरी तक ये ऑटो एक्सपो खुला रहेगा, वहां पर आम लोग जा सकते हैं। और साथ ही 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में वाहनों का जखीरा लगने वाला है। 13 से 18 जनवरी तक आम लोग भी जा सकते हैं। देश दुनिया से आने वाली कई बड़ी कंपनियां इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं और अपने नए नए मॉडल्स को वो यहां पर रिवील करेंगे। देखिए, नई कारों का मेला लगने वाला है ग्रेटर नोएडा में। ऑटो एक्सपो का आगाज हो रहा है आज से। ऑटो एक्सपो में 48 कंपनियां हैं जो शामिल हो रही हैं। 75 से अधिक गाड़ियों की लॉन्चिंग यहां पर की जानी है। और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि ऑटो एक्सपो में देश दुनिया की कई कंपनियां शामिल होने वाली हैं। मीडिया के लिए आज ऑटो एक्सपो है और साथ ही ऑटो एक्सपो की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखा गया है। 14 जनवरी से आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो खुल जाएगा, आम लोग भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पर्दा यहां पर उठाया जाएगा। 13 जनवरी के बाद से, यानी कि 14 जनवरी से 18 जनवरी तक आम लोग भी इस ऑटो एक्सपो का हिस्सा बन सकते हैं। वो भी जाकर के वहां पर नई गाड़ियों को देख सकते हैं। और इस बार का ऑटो एक्सपो का थीम रखा गया है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। तो आज की तारीख, जब से ऑटो एक्सपो का आगाज हो रहा है, आज से शुभारंभ, और 18 जनवरी तक आम लोग भी जा करके इस ऑटो एक्सपो को देख सकते हैं। नई कारों का मेला यहां पर लगने वाला है। 48 कंपनियां इसका हिस्सा बन रही हैं, 48 कंपनियां इसमें शामिल होंगी और 75 से अधिक गाड़ियों की लॉन्चिंग यहां पर की जानी है। देश दुनिया की कई कंपनियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।